राधे राधे बहनों, आज हम सब मंडला आर्ट का एक नया रूप सीखेंगे, जिसमें कि हम अपने मंडला आर्ट में कलर फिल करके तब उसके ऊपर ड्राइंग करेंगे। उसके ऊपर हम उसका फिलिंग देंगे, उसमें जो पैटर्न्स बनाएंगे वो उसके ऊपर बनाएंगे। तो सबसे पहले आप जो जानते हैं कि हम लोग सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। सर्कल्स का रेडियस क्या होगा ये मैं आपको जो शीट भेजूँगी उसमें लिख दूँगी। तो पहले हम सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल्स ड्रॉ करते टाइम आप ये ध्यान रखें कि कोई सर्कल आप डबल लाइंस का भी कर सकते हैं, तो वो भी लुक अच्छा देता है। डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स जो हमें बनाने हैं, हम उसके हिसाब से सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं। एक बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम कलरिंग वर्क करते हैं मंडला आर्ट में, तो हमेशा कोशिश करिए कि आप सर्कल को ड्रॉ करने के बाद उसको इरेजर से लाइट कर ले, बिकॉज अगर वो ज़्यादा डार्क होगा तो वो कई बार हम लाइट कलर जैसे येल्लो या लाइट ग्रीन करते हैं तो उसमें हमारा वो पेंसिल से किया हुआ सर्कल दिख सकता है। अगर हम उसके ऊपर पेटल्स वगैरह ड्रॉ करते हैं तो वो फिर क्लियर लुक नीट वर्क नहीं लगता। तो इसी तरह से ड्रॉ करके ये हमारा सर्कल रेडी है। सर्कल्स हमारे अब ये सर्कल्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा सेंटर सर्कल है वो हम रेड कलर से कर देंगे। अब हमारा सेंटर सर्कल कंप्लीट हो गया, तो उसके आउटर वाला जो सर्कल है वो हम येलो से करेंगे। लेमन येलो, लेमन येलो काफ़ी हल्का कलर है, इसलिए जो आउटर में एक लाइन सा हम दे देंगे ऑकर येलो से। ये हल्की शेडिंग हो जाएगी हमारी लेमन येलो और ऑकर येलो की। उसके बाद हम एक रेड कलर से लाइन दे देंगे ताकि वो हमारा जो बाहर का सर्कल और जो इनर सर्कल रहेगा उसके बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट करेगा, वो अलग दिखेगा, सुंदर लुक देगा। ये कंप्लीट होने के बाद इसके बाहर वाला जो सर्कल है हमारा, हम उसमें सैप ग्रीन कलर करेंगे या लाइट ग्रीन भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम लाइट ग्रीन कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, यह हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम इसमें हल्का सा डार्क ग्रीन इसी कलर में मिक्स करके हम हमारे लिए पॉइंटेड पेटल्स बना लेंगे। अगर आपको डायरेक्ट ब्रश से करने में नहीं बने तो आप पहले पेंसिल से ड्रॉ करके उसके ऊपर आप ट्रेस कर सकते हैं ब्रश से। तो ये हमारा पॉइंटेड पेटल्स का कंप्लीट है। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, जो हमारे बिग पॉइंटेड पेटल्स से बड़े उसके बीच में हम स्मॉल पॉइंटेड पेटल्स दे देंगे। मंडला में सनफ्लावर का लुक बहुत सुंदर आता है। अब इसके बाहर का जो हमारा सर्कल है हम उसमें ब्लू कलर करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जो हमारे पेटल्स के बीच में जो स्पेस रहेगी उसे हम हल्का ग्रीन में ऑकर येलो मिक्स करके उस कलर से हम ये फिनिश कंप्लीट करेंगे इसको। तो ये जो हमारे बीच में स्पेस थे उसका फिलिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम ब्लू कलर लेंगे और जो इसका आउटर सर्कल है उसमें हम ब्लू कलर करेंगे।
तो ये ब्लू कलर है, आप इसमें लाइट ब्लू भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। मैंने इसमें रिवर ब्लू लिया है। तो हम इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरे सर्कल को। ये सर्कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, डार्क ब्लू कलर से हम जैसे हमने ग्रीन में पेटल्स बनाए थे पॉइंटेड पेटल्स, वैसे ही हम यहाँ भी पॉइंटेड पेटल्स बनाएंगे। आप डायरेक्ट ब्रश से बनाना चाहे तो वैसे बना ले, अदरवाइज़ आप पेंसिल से करके उसे ट्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पॉइंटेड पेटल्स लाइट डार्क ब्लू कलर से पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाहर हम क्या करेंगे, पहले हम पर्पल कलर से दोनों जो पेटल्स हैं पॉइंटेड वाले उसके बीच में पेटल्स बनाएंगे। एक बार हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा दोनों पेटल्स के बीच का, फिर हम इसमें एक थर्ड राउंड और देंगे पेटल्स का। अब आप देख सकते हैं हम पिंक कलर से हम लोग थर्ड राउंड देंगे। पहले हमने डार्क ब्लू लिया फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में हमने पर्पल लिया और थर्ड राउंड में हम पिंक कलर लेंगे, पिंक और मजेंटा यू कैन से। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोगों को थ्री लेयर्स ऑफ पेटल्स रेडी करना है यहाँ। एक बार हमारा ये पेटल्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो हमने जितने भी पॉइंटेड पेटल्स ड्रॉ किए हैं, अंदर ग्रीन वाले, बाहर ब्लू, पिंक, पर्पल, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पैलेट में बचा हुआ कलर होगा हल्का फुल्का उसमें ही हम वाटर मिक्स करके बिल्कुल लाइट शेड देंगे अंदर। देख सकते हैं आप लोग ग्रीन में जो मेरे पैलेट में कलर बचा था उसमें ही मैंने वाटर मिक्स करके, बिल्कुल वाटरी कलर होना चाहिए उसमें, सिर्फ हमें हल्का शेड चाहिए ग्रीन का। इसी तरह से हम जो बाहर का ब्लू सर्कल है सेम इसी तरह से ब्लू वाले को भी कंप्लीट करेंगे। ये ब्लू हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद सेम वे हम लोग पिंक और पर्पल के साथ भी रिपीट करेंगे। बिल्कुल भी कलर निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पैलेट में इतना कलर होता है कि हम लोग इसमें शेडिंग आराम से दे सकते हैं। बहुत लाइट कलर चाहिए हम लोगों को, बिल्कुल वाटर बेस्ड। तो ये हमारा कलर वर्क कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम लोग पेन से स्टार्ट करेंगे पेन वर्क। तो सबसे पहले हम लोग जो इनर सर्कल है उसका लाइन जो है वो ट्रेस कर ले रहे हैं और अंदर में जो मैंने वाइट स्पेस छोड़ा था उसको मैं ब्लैक कर दूंगी। ये कंप्लीट होने के बाद जो हमारा रेड पोर्शन है उस पर मैं सबसे पहले एक राउंड पेटल्स का स्मॉल लाइन लूँगी, बहुत छोटे से राउंड पेटल्स। तब हम लोग छोटे छोटे राउंड पेटल्स बना दे रहे हैं। मर्मेड पेटल्स भी कहते हैं जिन्हें हम। तो ये हमारा मर्मेड पेटल्स रेडी हो जाएगा।
उसके बाद जो हमारा रेड वाला पोर्शन है उसमें हम पॉइंटेड पेटल्स ड्रॉ करेंगे। हमें यहाँ पे फिर से सनफ्लावर पूरा क्रिएट करना है, तो पहले हम पॉइंटेड पेटल्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे भी 4 लेयर्स आएंगे पॉइंटेड पेटल्स के। तो इसी तरह से हम पॉइंटेड पेटल्स का एक राउंड ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे ही हम लोगों को 3 लेयर्स और ड्रॉ करने हैं पॉइंटेड पेटल्स के। तो ये हमारा सनफ्लावर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके बाद हम जो हमारा रेड लाइन हम लोगों ने दिया है उसका आउटर जो है स्पेस, उसको हम ब्लैक लाइन से ट्रेस कर लेंगे ब्लैक पेन से। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को मर्मेड स्केल्स बनाने हैं, जिसमें फर्स्ट हम लोग छोटा बनाएंगे, शॉर्ट मर्मेड पेटल्स रहेंगे, उसके बाद लॉन्ग रहेगा और फिर एक लेयर और शॉर्ट मर्मेड पेटल्स रहेंगे। तो 3 लेयर हम लोगों को मर्मेड पेटल्स का यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ये हम लोगों का लाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसमें मर्मेड पेटल्स का 3 लेयर देना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया, अब हम लोग सेकेंड लेयर पे वर्क। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हम लोगों ने हमारा 3 लेयर ऑफ मर्मेड पेटल्स कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमने ग्रीन पॉइंटेड पेटल्स बनाए थे उसमें हम एक एक ड्रॉप पेटल्स बना देंगे। हम लोग ज़्यादा फिलिंग नहीं करेंगे, अदरवाइज़ बहुत क्लम्जी वर्क हो जाएगा, तो उसे नीट रखना है हमें, इसलिए हम लोग सिर्फ एक एक ड्रॉप पेटल्स हमारे इस ग्रीन वाले पॉइंटेड पेटल के अंदर ड्रॉ करेंगे एकदम सेंटर में। एक बार हमारा ये ड्रॉप पेटल्स कंप्लीट हो जा रहा है, उसके बाद जो स्पेस हम लोगों ने ऑकर येलो और ग्रीन मिक्स करके कलर किया था, जो पेटल्स के बीच का जो स्पेस था, उसमें हम डॉट्स दे देंगे।
अब जो हमारा ब्लू वाला कलर है उसमें हम सबसे पहले इनर तरफ जो हमारा सर्कल का जो लाइन है उसे हम ट्रेस कर लेंगे। उसके बाद हम इस ब्लू सरफेस में भी हमें मर्मेड पेटल्स रेडी करने हैं, वन लेयर ओनली, सिर्फ हम एक लेयर देंगे मर्मेड पेटल्स का, लॉन्ग मर्मेड पेटल्स देंगे इसमें। तो इसी तरह से हम ये ड्रॉ करके कंप्लीट करेंगे। और जो हमारा पिंक कलर का जो हमने किया था पॉइंटेड पेटल्स, उसमें हम फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। यह हमारा मंडला आर्ट कंप्लीट हो गया है। आप लोग सब ट्राई करिएगा। थैंक यू।